वेलकम टू द सिविल इंजीनियर बजट। दोस्तों आज हम आपके साथ हैं सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है इंजीनियरिंग व्यू ऑफ सिविल एनालिसिस एज पर आईएस कोड। हम सारे डिस्कशन आप जानते हैं कि आईएस कोड के हिसाब से करते हैं और इसमें भी वही करने वाले हैं। ये सिविल एनालिसिस का वो गेम नहीं है कि भाई छन्ना बीट किया और आए 383 के हिसाब से आपने टेबल में देखा, टेबल नंबर 9 में और देख लिया। मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो में वो है जो आज तक किसी भी YouTube चैनल ने नहीं दिखाया होगा। एजुकेशन के लिए चैलेंज है, यदि दिखाया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें इस वाली YouTube चैनल पर मिला है। और हम शुरुआत करने से पहले, यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद इसे सब्सक्राइब किए बगैर आप रह नहीं पाएंगे। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको। चलिए शुरू करते हैं अपना चैनल पर। ये वाला टॉपिक है कोश एंड फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट एंड प्लास्टर। हम इंजीनियरिंग व्यू डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए आपको वो मिलेगा जो इससे पहले और कहीं नहीं मिला होगा, भले ही वो न्यू कमर्स हों, फ्रेशर्स हों या फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट या एक्सपीरियंस्ड। आपको जो यहाँ मिलेगा एक सिविल इंजीनियर की तरह सोचने का एक तरीका देंगे, एक नज़रिया देंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें नॉर्मली अप्रेटिस चाहिए होते हैं, सीप चाहिए होती है, बेइंग मशीन चाहिए होती है और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चाहिए होता है। हम सारी की सारी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस तो करना ही करना है, और ये वाला पूरा का पूरा ये चार्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। भाई आपके पास में ये एक जॉन 1, जॉन 2, आईएस कोड 383, क्लूस 9, टेबल नंबर 9 में जॉन 1, जॉन 2, जॉन 3 की ग्रेडेशन दी है। इसके हिसाब से हम चेक करते हैं, सैंपल कैसे लेते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इन सारे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि हम आखिरी में, क्या आपने कभी सुना है कि टॉलरेंस भी होता है, इस लिमिट में भी टॉलरेंस होता है। हम आपको इस वीडियो के एंड में इन आईएस कोड्स की ग्रेडेशन का टॉलरेंस डिस्कस करने वाले हैं, इसके लिए आप वीडियो एंड तक देखिए। ओके, अब हमने कहा कि हमें सीव एनालिसिस करना है, सभी का करते हैं, कोर्स फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फाइन एंड के भी, तो हमें वेट ऑफ द सैंपल लेना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं, प्रोसीजर क्या है एज पर आईएस कोड। आई होप कि कुछ लोगों को पता नहीं होगा, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, पता लग जाएगा। हम आपको बता दें कि वैसे तो ये जो टेबल नंबर 9 जो आप देख रहे थे ये 383 की है, आईएस कोड 383 2016, लेकिन प्रोसीजर के लिए आपको 2386 पार्ट 1 फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, इस आईएस कोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चिंता नहीं कीजिए, अभी फोकस करिए अपने इस पे। तो मिनिमम वेट ऑफ द सैंपलिंग, मिनिमम वेट सैंपल अवेलेबल सो नॉट बी लेस देन वेट गिवन द टेबल नंबर 2 ऑफ 2386 पार्ट 1। 2386 पार्ट 1 टेबल नंबर 2 में बोला है कि देखो उसको समझना आना चाहिए, आप इंजीनियर है ना तो आपको रीड करना आना चाहिए आईएस कोड बोलता क्या है। मैक्सिमम साइज प्रेजेंट इन सबस्टेंशियल प्रोपोर्शन, भाई बोल रहे हैं कि भाई आपके पास में मैक्सिमम साइज कितना, 10 mm होता है जो सैम्पलिंग अवेलेबल का, तो 6 kg अवेलेबल होना चाहिए फाइन सैंड के लिए, और 12.5 है, 16 है। तो आपको एक चीज हम बता दें, एक टेबल नंबर 7 भी होता है, ये 383 2016 का ही है टेबल नंबर 7 कोर्स एग्रीगेट के लिए। भाई यदि हम 20 mm का है तो इन्होंने बोला 20 mm पास हो जाए 100% 40 से, मतलब 20 में 40 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स मैक्सिमम साइज 20 से ज्यादा होगा, तो आप 20 को प्रेफर करते हैं सैंपलिंग लेने में कि कितना सैंपल होना चाहिए। और प्रोसीजर में ये तो आप हमें अभी फाइन सैंड के लिए, या 20 mm का है तो 40 तो होता नहीं, 20 में 20 होता है, तो 25 kg होना चाहिए, तो 50 kg होना चाहिए 20 में 25 kg, और 40 में, ये 40 में 40 नहीं होता है तो 50 kg के आसपास। ये सैम्पलिंग लेने का तरीका है, जैसे लैब में भेजते हैं तो इतना वेट ऑफ सैंपल भेजना चाहिए। प्रोसीजर में पॉइंट 2 है, बहुत ही मिनिमम वेट ऑफ सैंपल फॉर सीव एनालिसिस शुड बी टेकन इन द आईएस कोड 2386 पार्ट 1 टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में बोला है ये क्लूज 2.4.4, 2.5 और 2.5.2, इनका हम डिस्कस करेंगे। इनने बोला मैक्सिमम साइज प्रेजेंट इन सबस्टेंशियल प्रोपोर्शन, भाई आप ये बताओ कि जब हम सेंड कर रहे हैं तो मैक्सिमम साइज क्या होता है उसमें। 10 से तो बोलता है 100% पास होना चाहिए, मतलब 10 तो प्रेजेंट होता नहीं है, और 4.75 होता है, तो 0.2, लेकिन हम मैक्सिमम 2 kg के आसपास का ले लेते हैं। ये है, आईएस कोड बोलता है कि आप 200 ग्राम भी लोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन आप 2 kg तक का मिनिमम लेते हैं हम, ताकि टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेसी के साथ में आए।
प्रोसीजर में इतना ही है, जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, सीविंग कर रहे होते हैं, तो वो ड्राई बीट सैंपल होना चाहिए। उसके लिए 100 to 100 degree Celsius, 100 or 110 degree Celsius पे गर्म करने के बाद में 24 घंटे के बाद फिर हम सीव एनालिसिस के लिए रखते हैं यदि उसमें मॉइस्चर है, और सैंपल हम वहाँ से लेते हैं जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ताकि वो पार्टिकल आ जाए, माइक्रॉन्स वाले पार्टिकल उसमें प्रेजेंस रहे। ओके, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर के बड़े बड़े दाने उठा लिए और उससे हमने ग्रेडेशन कर दी। ना, आप सिविल इंजीनियर हैं, थिंक लाइक अ सिविल इंजीनियर। भाई हम प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, और हम सबसे पहले चलिए इसी से कहते हैं, हमने वेट ऑफ सैंपल आपको बता दिया किस तरह से लेते हैं, आईएस कोड की टेबल नंबर 3 का हमने आपका जिक्र किया है, 2386 का। तो हम एक सबसे पहले तो इसी को कर लेते हैं, और आखिरी में टॉलरेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। नो डाउट, वेट ऑफ द सैंपल टेकन 2000 ग्राम, एवरीथिंग इज कंटेनर टू, हमने छन्नी में रखा सबसे पहले 10 mm की, 4.75, 2.36, फिर 1.18, 600, 300, 500 माइक्रोन। मैक्सिमम लोगों को ये याद करने में दिक्कत होती है, तो चलिए हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। इसमें समय हाफ करते हैं, नीचे से देखो 150 के बाद 300 डबल हो गया, 300 के बाद 600 डबल हो गया, 600 के बाद 1200 होता है, 1.18 हो गया, थोड़ा सा कम, 1.18 से 2.36 जस्ट डबल, 2.36 से 72 होता है, 4.72 होता है, लेकिन 4.75 लेना है। ये तो मैंने 4.75 तो कहते हैं ना कि वो है, मतलब सेपरेशन है, इससे नीचे गया तो फाइन, उससे ऊपर गया तो कोश, और 10 mm, ठीक है, ये चीज हो गई। भाई फाइन मॉडुलस का जिक्र है, हम आप आखिरी में आपको फाइन मॉडुलस भी बताने वाले, तो एडमिट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। भाई छानना शुरू किया, सबसे ऊपर 10 mm से डाला, हमने देखा कि हमें कुछ नहीं निकला, और फिर हमने 4.75 से छाना, 1 ग्राम रुक गया, ओके, और फिर 2.36 से छाना, और छाने के बाद में वेट किया तो हमने देखा 637 ग्राम हमारे पास में आ गया। हमने एक सैंपल लिया लैब में, और फिर हमने 1.18 से छाना, और 448 ग्राम इसमें भी रिटेन हो गया। फिर हमने 600 माइक्रोन से छाना तो 125 ग्राम रिटेन हो गया, और फिर 300 से लिया तो 389। एक्चुअली ये क्रेसल सैंड का है सैंपल, क्रेसल सैंड का है, नॉर्मल नेचुरल सैंड भी होती है, ये नेचुरल सैंड का ग्रेडिएशन है। अब लोग कहते हैं कि यार सर इसी के हिसाब से कर देते हैं हम भी क्रेसल सैंड का, हम UADD के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और हम उसमें 70 हमारे पास सर्कुलेशन है कि आप 75 तक क्रेसल सैंड यूज कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि जो नदियों से रेत निकालना बैन है, और दैट्स वाई, और हम इसका भी आपको बिल्कुल बता रहे हैं, अलग से नहीं होता है, इसलिए हमने स्पेशली क्रेसल सैंड का एक सैंपल लिया है, और ताकि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और 91 ग्राम आया है, और बाकी का सब पैन में है, जो भी माइनस आएगा 2000 में। और कम्युलेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये तो जीरो का जीरो हो गया यहाँ से, और यहाँ पे आप बराबर करो, और इसको करो, और प्लस करो इसको, और वन हो गया, और यहाँ से इसको खींच दो तो ये आपका 169 आ गया, और टोटल 2000 ग्राम है, तो बाकी जो यहाँ पे आएगा वो पेन में आ गया 2000 माइनस 309 ग्राम, और इसको नीचे तक खींच दो तो आपका टोटल 2000 ग्राम का कम्युलेटिव वेट आ गया। कम्युलेटिव वेट रिटेनिंग परसेंटेज निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, इंजीनियर्स हैं हम सभी आए हुए हैं, इसको डिवाइड करो 2000 से, और इसको ओके, और यहाँ पे आप इसमें डिवाइड लगा के 100 कर दो तो ये परसेंटेज निकल आता है, और इसको आप एक्सेल में है, आपको वैसे कैलकुलेशन करना आता है होना चाहिए, और ओके ये तो बहुत बड़ा हो गया, हमें इसको मल्टीप्लाई करने वाले थे, हमें वहाँ पे डिवाइड कर दिया, दैट्स वाई ये ऐसा हो गया, और आप देखिए कि आपके पास में टोटल है। और कम्युलेटिव वेट में पैन को कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम कम्युलेटिव वेट परसेंटेज रिटर्निंग ये फाइनेंस मॉडल्स के लिए ज़रूरी होता है, तो अब यहाँ पे सम करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और हमने बोला ना पैन इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये 3.11, और यहाँ पे बराबर किया, इसको डिवाइड बाय 100 किया तो 3.1135 इसका फाइनेंस मॉडुलस आ गया। पासिंग के लिए हम क्या करते हैं, 100 एक्चुअली यहाँ पे बराबर करना होता है, और फिर 100 माइनस 0 करो तो ये आ गया, और यहाँ से इसको खींच लो,
ये आपकी हो गई हैं। अब ये एक्चुअली ये नेचुरल सैंड के लिए है, जैसा कि आपको पता है कि 383 में टेबल नंबर 9 पर नेचुरल सैंड का डिस्कशन है। अब एक क्रशर सैंड के लिए है तो आप ये कहोगे कि 150 माइक्रोन में तो ये फेल हो गया। तो इनके सवाल हम आपको बोल रहे हैं ना कि टॉलरेंस होता है बॉस, तो आपको टॉलरेंस पता होना चाहिए। एज ए इंजीनियर जब आप ग्रेडेशन की बात कर रहे होते हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए प्रोसीजर हो चुका है, अब हम मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉलरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और टॉलरेंस क्या है ये देखिए, टॉलरेंस इन सीव एनालिसिस फॉर फाइन एग्रीगेट। तो आप आईएस कोड 383 2016 के क्लू 6.3 को देखिए, आप यहाँ पे चार्ट में जो टेबल देख रहे हैं यहाँ पे भी क्लू 6.3 का जिक्र किया है। तो क्या कहता है क्लू 6.3, कहता है वेयर द ग्रेडिंग फाइल आउटसाइड द लिमिट ऑफ द पर्टिकुलर ग्रेडिंग जोन ऑफ सीव अदर देन 600 माइक्रोन, 600 माइक्रोन को छोड़ के और किसी भी ग्रेडिंग जोन में यदि आउटसाइड द लिमिट जाती है तो 5% ऑफ द पर्टिकुलर सीव साइज, 5% इट शैल बी रिगार्ड फॉल इन दैट, और कम्युलेटिव अमाउंट 10% है, अमाउंट वेट की बात कर रहे हैं। तो ये 5% तक ऊपर नीचे हो रहा है ना, आउटसाइड द लिमिट जा रहा है 5%, तो वो उसी लिमिट में गएगा 600 माइक्रोन को छोड़ के। लिमिटेशंस हैं इसकी, द टॉलरेंस शैल नॉट बी अप्लाइड टू द परसेंटेज पासिंग द 600 माइक्रोन इन द आईएस सीव और द परसेंटेज पासिंग एनी अदर सीव साइज ऑन कोस्ट लिमिट ग्रेडिंग जोन 1 और फाइनल लिमिट ऑफ ग्रेडिंग जोन 4। इफ ग्रेडिंग जोन 1 और ग्रेडिंग जोन 4 में ये टॉलरेंस एप्लीकेबल नहीं है और 600 माइक्रोन को छोड़ के बाकी सब में एप्लीकेबल है जॉन 2 जॉन 3 के लिए। लेकिन बॉस जॉन 4 के लिए एक और आईएस कोड है जिसमें एक नई चीज बताई है, वो भी हम टॉलरेंस बता रहे हैं। हम एक टॉलरेंस क्रेसर सैंड के केस में, जैसा कि अभी हम जो ये पूरा का पूरा चार्ट भरा है वो क्रेसर सैंड का है, हमने सैंपल क्रेसर सैंड का लिया है, तो इसके लिए भी बोला है कि टेबल नंबर 9 में पॉइंट नोट 1 में साफ साफ लिखा हुआ है फॉर कैसर स्टोन सैंड द परमिसेबल लिमिट ऑफ 150 माइक्रोन आईएससी बीज इंक्रीज टू 20%, दिस डज नॉट अफेक्ट द 5% अलाउंस परमिट इन आईएस कोड 383 2016 क्लू 6.3 एप्लीकेबल टू द अदर सीप साइज। बाकी सब में सीप साइज में एप्लीकेबल होगा लेकिन 150 माइक्रोन में एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मींस कि आपका ये यहां से पास हो गया क्योंकि ये 20% का बोल दिया, ठीक है। तो ये आपको टॉलरेंस पता होना चाहिए, इंजीनियर हो तो टॉलरेंस पे काम करना चाहिए। भाई प्लास्टरिंग के लिए 5542 1992 एक आईएस कोड है जिसमें भी सेम तरह का है कि यदि प्लास्टरिंग के लिए आप क्रेसर सैंड यूज कर रहे हैं तो आपको ये 20% तक यहाँ भी लिखा हुआ है, तो वहां भी आप देख लीजिए वहां भी है। और नेचुरल टॉलरेंस इन नेचुरल सैंड फॉर प्लास्टरिंग, अब प्लास्टरिंग में कौन सा जोन, ग्रेडिंग जोन 4, ये जोन 4 नहीं लिखा है 5542, सॉरी यहाँ पे 5542 नहीं है, एक्चुअली ये है 1542, तो इसको हम करेक्ट कर रहे हैं अभी हाल और आगे से हम ठीक है। ये वाला आईएस कोड आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, डजंट मैटर, और यहाँ पे सही लिखा हुआ है 1542 1992 क्लोज 5.1 में लिखा हुआ है कि एक ग्रेडिंग जोन के लिए है, प्लास्टरिंग की सैंड यूज कर रहे हैं आप, तो सीप 300 क्या लिखा है, वेयर द ग्रेडिंग फॉल आउट ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रेडिंग जोन 4 ऑफ सीप अदर देन 150 300 और 600 माइक्रोन आई एस सी बाय द टोटल अमाउंट नॉट एक्सीड 5% इट शैल बी रिगार्डेड एज विद इन द ग्रेडिंग। भाई 300 150 और 600 माइक्रोन की छोड़ के और कोई लिमिट यदि 5% ऊपर नीचे होती है तो वो उसी ग्रेडिंग जोन में मानी जाएगी, इसको आप फेल नहीं कह सकते एज ए इंजीनियर। तो आप टॉलरेंस याद रखिए, ग्रेडेशन में बहुत कम लोगों को पता होता है लेकिन आज आपको पता है, और मैं ये बात कहता हूँ इस बात को, टॉलरेंस वाला पॉइंट किसी और ने डिस्कस नहीं किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे, किया है तो हमें जरूर बताइए, और अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फाइननेस मॉडुलस की बात को कैसे भूल सकते हैं बॉस, कि जब हम इतना सारा डिस्कस किया है फाइन सैंड का इंजीनियरिंग व्यू तो फाइननेस मॉडुलस भी समझ लेते हैं। तो अल्टीमेटली फाइननेस मॉडुलस है क्या, इट इज एन इंडेक्स नंबर विच इज रिप्रेजेंट द मीन साइज ऑफ द पार्टिकल इन द सैंड। भाई मीन साइज शो करता है फाइननेस मॉडुलस, और यहां पे भी वो मीन साइज ही डिस्कस करेगा, तो चलिए हम मीन साइज डिस्कस कर लेते हैं। और क्या है फाइननेस मॉडुलस, ऑब्टेन बाय एडिंग कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट रिटर्न ऑन ईच सीप बाय डिवाइडिंग 100, जैसा कि हमने अपने चार्ट में आपको करके दिखाया था और यहां से फाइननेस मॉडुलस निकाला था, तो यहां भी हम वही कर रहे हैं।
और समझिए, फॉर एग्जांपल हम आपको एक डिस्कस कर रहे थे फाइनेंस मॉडुलस, सपोज फाइनेंस मॉडुलस 2.75 है या हमारे केस में 3.11 है, तो फिर उसको आप कैसे देखेंगे? तो 2.75 का मतलब क्या है? तो भाई देखिए, हमने 150, 300, 600 माइक्रोन, 1.18, 2.36 और 4.75 mm को इग्नोर करो यहाँ पे, एक्चुअली वो फोटोज में मिसप्रिंट हो गया। और देखिए 2.75 है तो पहली सीप नीचे से, फिर दूसरी सीप और तीसरी सीप, दूसरी और तीसरी सीप के बीच में आया, और पहली सीप है नीचे से, पहली सीप होती है 150 माइक्रोन की, फिर 300, तो ये 300 माइक्रोन और 600 माइक्रोन के बीच में पार्टिकल साइज है फाइनेस मॉडुलस इसका। दिस इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ द फाइनेस मॉडुलस। और ऐसे ही कोर्स एग्रीगेट में भी हम ये सब चीजें करते हैं। ग्रेडेशन का फॉर्मेट भरना सबके लिए आसान है कि कम्युलेटिव वेट, कम्युलेटिव वेट रिटेनिंग परसेंटेज और कम्युलेटिव वेट रिटेनिंग परसेंटेज पासिंग, कम्युलेटिव वेट निकालना इस इंजीनियर्स के लिए बिल्कुल इजी है। और टेबल नंबर 7 कोर्स एग्रीगेट के लिए दिया है 383 2016 में, और क्लू 6.1 6.2 में बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस दिया है ये सिंगल साइज ग्रेडिंग के लिए और 5 पासिंग साइज ग्रेडिंग के लिए। आई होप चीजें आपको पसंद आई होंगी। और एक चीज और है, क्लासिफिकेशन दिया है, वैसे ये कोई हाई स्कोर में नहीं दिया क्लासिफिकेशन, लेकिन कभी भी आपको कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के सवाल आता है तो बिल्कुल आपको यही बताया जाता है। तो हमें इसका रेफरेंस है पेज नंबर 94 को, कंक्रीट टेक्नोलॉजी बाय MSCT से हमने लिया है। फाइन मॉडुलस 2.2 से 2.6, फाइनेस मॉडुलस होना चाहिए मीडियम सेंड का 2.6 से 2.9 और गो सेंड का 2.9 से 3.2, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।